नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। हरियाणा में जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने वाले अधिकारियों से अब जवाब तलबी शुरू हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अफसरों से विधायकों की बात को प्राथमिकता देने के साथ में सुनने के लिए कहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, कई अफसर विधायकों तक के फोन नहीं उठाते हैं। इस पर CM ने कड़ा संज्ञान लिया है। रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने 2 दिन पहले स्पीकर के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में रेवाड़ी SP नाजनीन भसीन की शिकायत करते हुए कहा कि वह उनका फोन तक नहीं उठाती। इतना ही नहीं, पुलिस के अन्य अधिकारी भी उनका फोन नहीं उठाते, इसलिए SP का यहाँ से तबादला किया जाना चाहिए। विधायक की शिकायत का असर भी हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए SP नाजनीन भसीन को नोटिस भेजा है। दरअसल विधायक लक्ष्मण सिंह यादव काफी समय से SP से खफा है। उनकी नाराजगी का कारण SP द्वारा विधायक का फोन नहीं उठाना है। पहले वे दबी जुबान से आवाज उठाते रहे, लेकिन कोरोना संकट के बीच सूबे में जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने का मामला गरमाया तो विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया और उन्होंने लगे हाथ SP की शिकायत कर दी। सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है कि DC, SP, ADC, SDM न केवल जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएं बल्कि उनके द्वारा बताए गए कार्यों को गंभीरता से लें। लॉकडाउन और कोरोना के चलते महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDU ने अपने प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदल दिया है। MDU के UG PG स्टूडेंट की ऑनलाइन पढ़ाई के बाद अब पूरे सिलेबस से ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। इसी के चलते प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया है। MDU के इस फैसले से विश्वविद्यालय के तहत पढ़ाई कर रहे करीब 5 लाख स्टूडेंट को फायदा होगा। MDU के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि COVID-19 के दौरान MDU के UG PG स्टूडेंट को सिलेबस पूरा होने समस्या के कारण किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े, ऐसे में यह फैसला लिया गया है। इस बदलाव के कारण MDU के तहत कोर्स कर रहे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BEd, डिस्टेंस व अन्य सभी रीअपीयर व वार्षिक परीक्षा वाले सभी कोर्स के स्टूडेंट को इससे लाभ मिलेगा। बता दें कि पहले प्रश्न पत्र दिए जाते थे उसमें सभी UG PG के लिए एक ही पैटर्न प्रयोग किया जाता था। बिजली उपभोक्ता अब ऑनलाइन ही अपनी गलत बिजली बिल ठीक करवा सकेंगे। हरियाणा बिजली निगम ने इसके लिए एक नई सुविधा शुरू की है। प्रदेश के बहुत से बिजली उपभोक्ता अमूमन बिजली बिल गलत मीटर रीडिंग के हिसाब जनरेट होने से खासे परेशान रहते हैं, जिसे लेकर यह उपभोक्ता बिजली कार्यालयों में इन गलत बिलों को ठीक करवाने के लिए धक्के भी खाते रहते हैं। अब उपभोक्ता को धक्के खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हरियाणा बिजली वितरण निगमों, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं के लिए ट्रस्ट रीडिंग की सुविधा शुरू की है। बिजली बिल में मीटर रीडिंग गलत होने की स्थिति में उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से सही मीटर रीडिंग प्रदान करके बिल ठीक करवा सकते हैं। यह सुविधा घरेलू, गैर घरेलू और LT औद्योगिक श्रेणियों अधिकतम 20 किलोवाट तक के लोड के उपभोक्ताओं के लिए है। इसके लिए उपभोक्ता निगमों की वेबसाइट पर जाकर ट्रस्ट रीडिंग की सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। इस सुविधा के उपयोग के बारे में सारी जानकारी निगमों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पहले चरण में यह सुविधा प्रदेश के 42 शहरों में शुरू की जा रही है, जिसमें उत्तर हरियाणा के अधीन पंचकुला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, कैथल, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, यमुनानगर, शाहबाद, बहादुरगढ़, कालका, पिंजौर, चिक्का, गोहाना, गरोंडा, पेवा, थानेसर, गन्नौर और समालखा शहर शामिल हैं। वहीं अगर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, चरखेदादरी, पलवल, डबवाली, बरवाला, एलनाबाद, टोहाना, हासिन, नरवाना, नारनौल, होडल, भवानीखेड़ा, शिवानी और लोहारू शहर शामिल किए गए हैं। गौरतलब है कि बीते 2 माह में लॉकडाउन होने की वजह से कई उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग नहीं हो पाई, उन्हें औसत के आधार पर ही बिजली बिल जारी कर दिए गए हैं। वे उपभोक्ता भी इस सुविधा का उपयोग करके अपने बिलों को वास्तविक रीडिंग के अनुसार ठीक करवा पाएंगे। टिड्डियों के हमले का खतरा राजस्थान व मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी बढ़ रहा है। राजस्थान व पंजाब से लगते हरियाणा के 7 जिलों में हरियाणा सरकार ने अलर्ट जारी किया है। महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी व सिरसा के DC को सभी जरूरी तैयारियां करने के आदेश दिए हैं। इन जिलों के DC को टिड्डी दल के आक्रमण प्रबंध के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। DC को नियमित रूप से मुख्यालय के संपर्क में रहने को कहा गया है। साथ ही इन जिलों के कृषि विभाग के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन सभी
सभी जिलों में दवाइयों का भंडारण किया जा चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैयार कर ली गई है। कृषि विभाग के अधिकारी संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। संबंधित जिलों के DDA को आदेश दिए गए हैं कि वे किसानों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और संबंधित जानकारी किसानों को भेजी जाए। आपको बता दें कि बुधवार को सिरसा के कुछ गाँव में कीट के दिखने की बात कही जा रही है। इसे देखते हुए वहाँ कृषि विभाग की टीमें तैनात की गई है। वहीं देश के कई राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से कल यानी कि गुरुवार को एक बड़ी आतंकी वारदात टल गई। इलाके से एक सेंट्रो कार से करीब 40 किलो IED बरामद हुई है, जिसे बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय किया गया है। वहीं इस घटना के बाद कई अहम तथ्य सामने आए हैं जो काफी हैरान करने वाले और चिंताजनक हैं। सूत्रों का कहना है कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद द्वारा रची गई साजिश में CRPF के करीब 400 जवान निशाने पर थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 वाहनों का CRPF का काफिला कल सुबह श्रीनगर से चलकर जम्मू पहुंचना था। इस काफिले में करीब 400 जवान शामिल होते। संदेह जताया जा रहा है कि इसी काफिले को निशाना बनाने के लिए आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ये साजिश रची थी। उधर सुरक्षा बलों को निशाना बनाए जाने की बात IGP विजय कुमार ने भी स्वीकार की है। अब खबर शेयर बाजार से। सप्ताह में गुरुवार को कारोबार के तीसरे दिन BSE और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सुबह BSE 222.58 अंक ऊपर और निफ्टी 50 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान BSE 662 अंक तक और निफ्टी 196 पॉइंट तक ऊपर जाने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में BSE 595.37 अंक ऊपर 32,200.59 पर और निफ्टी 175.15 पॉइंट ऊपर यानी 9,490.10 पर बंद हुआ। आज आयशर मोटर्स के शेयर में 8.33% की बढ़त रही। बुधवार को दुनिया भर के ज्यादातर बाजारों में बढ़त देखने को मिली थी। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, अमेरिका के दूसरे बाजार नेस्डेक और इटली, फ्रांस, जर्मनी के बाजार में बढ़त देखने को मिली। वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट 0.09% गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों का आंकड़ा 1,00,000 के पार कर गया है। अमेरिका दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश है जहां पर कोरोना वायरस के कारण 1,00,000 से अधिक मौत हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डाटा के अनुसार गुरुवार सुबह तक अमेरिका में 1,03,96 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में करीब 17,00,000 लोग आ चुके हैं, जो दुनिया का सबसे अधिक आंकड़ा है। यहां अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट हो चुका है। मौजूदा वक्त में अमेरिका में रोज 20,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,000 मौत प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहा है। अमेरिका में एक दिन में होने वाली सबसे अधिक मौतों का आंकड़ा 5,000 तक पहुंच चुका है। एक तरफ अमेरिका में मरने वालों की संख्या 1,00,000 को पार कर गई है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार देश को खोलने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और राज्यों के गवर्नर से भी ऐसी ही अपील कर रहे हैं। बीते दिन भी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि अमेरिका इकलौता देश है जिसने 1.5 करोड़ से अधिक टेस्ट करवाए हैं। हम देश को दोबारा खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देश भर में पिछले कुछ दिनों में गर्मी काफी बढ़ गई। यहाँ तक कि राजस्थान के चूरू में तो 50 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। वहीं दिल्ली में भी तापमान 47.5 के पार पहुंच गया था। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम बिगड़ सकता है। देखा जाए तो बुधवार रात से ठंडी हवाएं शुरू हो गई थी। महीने की 20 तारीख के बाद से मौसम गर्म होना शुरू हो गया था। इसके बाद देशवासी बारिश होने का मौसम सुहाना होने के ही इंतजार में थे। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने आने वाले 5 दिनों के लिए मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं दक्षिणांतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बताई है। इसके अलावा बताया गया है कि आने वाले कुछ दिन तक पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और दक्षिण हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में गर्म हवाओं से राहत रहेगी। वैसे तो भारतीय बाजार में डटसन की गाड़ियां खूब पसंद की जा रही हैं। कम कीमत में शानदार फीचर्स और लुक की वजह से डटसन रेडी गो मारुति की ऑल्टो, एस्प्रेसो और रेनो की क्विड कार को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन अब कंपनी ने इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। सबसे बड़ी खासियत कहें तो ग्राहकों को लुभाने के लिए डटसन ने नई रेडी गो की शुरुआती कीमत 3,00,000 रुपए से कम रखी है। रेडी गो के फेसलिफ्ट मॉडल बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 2,83,000 रुपए रखी है। हालांकि टॉप मॉडल की कीमत 4,77,000 रुपए है,
बाजार में मौजूद मॉडल के मुकाबले 2020 डटसन रेडिगो के लुक में कई बदलाव किए गए हैं। सामने से कार का लुक बिल्कुल बदल गया है। पहले के मुकाबले कार ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश दिख रही है। फ्रंट और रियर बम्पर के डिजाइन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा इसमें स्लिम हेडलाइट, बड़े एल शेप्ड DRL दिए गए हैं। साथ ही क्रोम पर काफी वर्क किया गया है। इसके अलावा इसके सेगमेंट में फेस्ट LED फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि बैक में नई LED टेल लाइट्स और रूफ स्पॉइलर हैं। कार 14-इंच व्हील के साथ आ रही है। अगर इंजन की बात करें तो डटसन रेडिगो में पहले की तरह ही इंजन 0.8 लीटर और 1.0 लीटर इंजन में उपलब्ध है। इसे BS6 के अनुसार अपडेट कर दिया गया है। माइलेज की बात करें तो 0.8 में 20.7 किलोमीटर पर लीटर और 1.0 मैनुअल में 21.7 किलोमीटर पर लीटर और 1.0 ऑटोमेटिक में 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। जिला की मंडियों में सरसों खरीद के कथित घोटाले के मामले में गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने जिला महेंद्रगढ़ की चारों मार्केट कमेटियों के सचिवों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक IAS जे गणेशन द्वारा गुरुवार को जिला की मंडियों का दौरा कर और रिकॉर्ड चेक करने के बाद देर रात की गई है। चारों सचिवों को उनके सस्पेंड की सूचना देर रात ईमेल से की गई है। सस्पेंड होने वाले सचिवों में मंडी अटेली मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र यादव, नारनौल मार्केट कमेटी के सचिव अशोक यादव, महेंद्रगढ़ मार्केट कमेटी के सचिव नुकुल देवी तथा कनीना मार्केट के सचिव आदित्य यादव शामिल हैं। हरियाणा में आज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। प्रदेश में आज एक ही दिन में कुल 123 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 1504 पहुंच गई। कोरोना मरीजों में लगातार तेजी से हो रही वृद्धि ने हरियाणा सरकार को चिंता में डाल दिया है। हरियाणा के चरखे दादरी में आज कोरोना बम फूटा है। यहाँ एक दिन में 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें जिला के गाँव चांगरोड निवासी एक व्यक्ति और गाँव सावड़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। इन्हें दादरी में बनाए गए कोविड अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। बताया जा रहा है कि सावड़ गांव में पाए गए 4 कोरोना पॉजिटिव गुरुग्राम से लौटे थे। वहीं चांगरोड में पाया गया कोरोना पॉजिटिव मरीज पांडिचेरी से लौटा था। हरियाणा में कोरोना वायरस से अब तक 19 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें फरीदाबाद में 7, पानीपत गुरुग्राम में 3, अम्बाला में 2 और रोहतक, जींद, सोनीपत व करनाल से 1-1 मौत की पुष्टि हुई है। और अब बात आज के इतिहास की। 1658 औरंगजेब ने सामुगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को पराजित किया। 1906 हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ। 1953 एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नारगे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। 1972 अभिनेता और पृथ्वी थिएटर के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ। 1987 भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले प्रखर नेता चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ। 2007 जापान की रियो मोरी मिस यूनिवर्स 2007 बनी। 2010 प्रसिद्ध अमेरिकी बाल कलाकार गैरी कोलमैन का निधन हुआ।